काशी ये शहर नहीं, एक सुकून है, जवा दिलों का जुनून है, साधु संतों का लगता यहाँ हुजूम है, क्योंकि त्रिशूलधारी यहाँ का हुजूर है। और कितना सुंदर किसी ने लिखा है, मैं निर्मल हूँ, अविनाशी हूँ, इसीलिए तो मैं काशी हूँ। शुरू करें, कम ऑन, हेडफोन लगाइए, आपको पता तो है। इन केस अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस व्लॉग को सिर्फ 5 मिनट देखिए, और मेरा आपसे कमिटमेंट है कि आप ये वीडियो पूरी देखें। शुरू करें, कम ऑन, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए और मेरे साथ ट्रैवल कीजिए इन दिस इंडियाज थर्ड प्राइवेट ट्रेन, श्री काशी महाकाल एक्सप्रेस। सफर बहुत अलग होने वाला है, बिकॉज आज हम 12 ज्योतिर्लिंग में से 3 ज्योतिर्लिंग के बीच सफर करने जा रहे हैं। वाराणसी में है काशी विश्वनाथ, उज्जैन में है महाकालेश्वर, और इंदौर के पास है ओमकारेश्वर। तो बस हो जाइए तैयार और भोले बाबा के नाम के साथ मेरे साथ ट्रैवल कीजिए। सो हे गाइस, दिस इज डोलेशिया एंड वेलकम टू माई चैनल 200 जर्नीज। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या आपने एक बात नोटिस की है, मतलब पिछले कुछ दिनों में इंडियन रेलवेज का जो ध्यान है ना, वो टूरिस्ट स्पॉट या मैं कहूँ रिलीजियस स्पॉट पर बहुत ज़्यादा गया है, और नई ट्रेन लॉन्च की गई है, जैसे कि राम सेतु एक्सप्रेस हो, या मैं कहूँ बुद्धा सर्किट स्पेशल ट्रेन हो, या तीसरी हम बात करें वैष्णो देवी से कनेक्ट करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, और अब इंडियन रेलवेज या मैं कहूँ IRCTC आपके लिए लेकर आई है श्री काशी महाकाल एक्सप्रेस। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, आप इतनी लॉन्ग ट्रेन जर्नीज करते हैं, क्या आप बोर नहीं होते, और आप टाइम पास के लिए क्या करते हैं? देखिए, मैं अच्छा म्यूज़िक सुनता हूँ, अच्छी मूवीज़ देखता हूँ, और मोबाइल पर कुछ अच्छे गेम्स भी खेलता हूँ। इनकेस आप घर पर बोर हो रहे हैं, आप जर्नीज़ में बोर हो रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड यू यूज़ कीजिए MPL गेमिंग ऐप, जहाँ पर आप 60 से ज़्यादा गेम्स खेल सकते हैं, जैसे कि रमी हुआ, कैरम हुआ, लूडो हुआ, पबजी हुआ। तो एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तुरंत डाउनलोड कीजिए। और इतना ही नहीं, आप गेम खेलिए, और जितना ज़्यादा गेम्स आप खेलेंगे उतने ज़्यादा पैसे आप कमाएंगे, और आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, साइन अप करेंगे, 10 रुपये आपके अकाउंट में बोनस आएंगे। अब आप सोचेंगे, भैया क्या ये ट्रस्टवर्दी है? बिल्कुल ट्रस्टेड ऐप है, इसलिए बिकॉज हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं विराट कोहली सर, वो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो तुरंत डाउनलोड कीजिए, और जो भी आप पैसा कमाएंगे ना, वो आप अपने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में थ्रू UPI या थ्रू Paytm ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और क्या चाहिए, तो किस बात का इंतज़ार है, तुरंत डाउनलोड कीजिए MPL गेमिंग ऐप, ट्रैवल कीजिए, खेलिए और कमाइए। ट्रेन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि बाय IRCTC ऑपरेट की जाएगी। कोचेस की आपको बताऊं, इसमें टोटल 18 कोचेस हैं, इसमें से 15 थर्ड AC कोचेस हैं, एक बैटरी कार है, और 2 हो गए जनरेटर कार्स। बुकिंग की बात करें, कॉस्टिंग की बात करें, तो इसकी थर्ड AC की जो कॉस्ट होगी अराउंड 2000 रुपीज़, जिसमें केटरिंग सर्विसेज, बेडरोल वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। और जो आप बुकिंग कर सकते हैं वो ओपन हो जाएगा 120 डेज बिफोर, आप ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं, बट जो बुकिंग है वो सिर्फ जनरल या फिर फॉरेन कोटा में अवेलेबल है। IRCTC के तहत अब तक इंडिया में 2 प्राइवेट ट्रेन लॉन्च की गई हैं, दोनों चेयर कार हैं। अब जो तीसरी प्राइवेट ट्रेन आई है, दिस इज आप कह सकते हैं हम सफ़र एक्सप्रेस, ये है स्लीपर। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले टाइम में हमें और स्लीपर क्लास, AC कोचेज,
प्राइवेट ट्रेन्स देखने को मिलेंगी। आप ज़रा मेरे को कमेंट करके बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, जितनी हम सफ़र एक्सप्रेस हैं या राजधानियाँ हैं, क्या उनको भी अब प्राइवेट किया जाएगा? कमेंट करके जवाब बताइए। और इन केस अगर आप इस काशी महाकाल में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं और जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं आप उनके दर्शन करना चाहते हैं, एक टूर, एक कस्टमाइज्ड आइटनरी चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कीजिए IRCTC को। या तो आप ये ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस श्री काशी महाकाल एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एजेंट अंदर हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप एक कस्टमाइज्ड टूर बना सकते हैं। और जब भी आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ज्योतिर्लिंग आप अलग अलग जगह भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आपको वेबसाइट विजिट करनी है www.irctctourism.com। बिकॉज ये इंडिया की थर्ड प्राइवेट ट्रेन है तो आई एम डैम श्योर पैसेंजर्स की जो उम्मीदें हैं वो और भी ज़्यादा होंगी बिकॉज प्राइवेट ट्रेन है। और ट्रेन में जो सबसे ज़्यादा शिकायत आती है वो आती है फूड की, या मैं कहूँ कैटरिंग सर्विसेज की। आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये है इनॉग्रल रन, ये देखिए यहाँ पर पैसेंजर्स को, बिकॉज मैं इनॉग्रल रन का हिस्सा हूँ, बट आई डैम श्योर जब कमर्शियल जर्नी होगी आप इसमें जर्नी करेंगे तो यहाँ देखकर, और बिकॉज पेंट्री कार फिलहाल इतनी क्लीन है यहाँ पर, और आई एम डैम श्योर जब भी आप यहाँ पर इस काशी महाकाल एक्सप्रेस में सफ़र करेंगे तो आपको हाइजीनिक फूड और बिल्कुल फ्रेश फूड सर्व किया जाएगा। अगर आप इस एक्सप्रेस में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, अब आपको बताना ज़रूरी है टाइमिंग्स। एक चीज़ पहले समझ लीजिएगा, इंडियन रेलवेज ने, या मैं कहूँ IRCTC ने, ये ट्रेन दो रूट पे रन की जा रही है। पहली है वाया लखनऊ और दूसरी है वाया प्रयागराज। अब जो पहले मैं आपको जो टाइमिंग्स बता रहा हूँ वह है वाया लखनऊ 82401, ये वाराणसी से रवाना होगी एट 2:45 PM और आप दोपहर को आप अगली सुबह पहुंच जाएंगे 9:40 AM एट इंदौर। ये रन होती है ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। वहां से रन होती है एज 82402, इंदौर से निकलेगी एट 10:55 AM और आप अगले दिन यानी कि अगली सुबह वाराणसी आ जाएंगे 6 AM को। ये रन होती है वेडनेसडे एंड फ्राइडे। रिमेंबर दिस इज वाया लखनऊ। अब जो टाइमिंग्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है वाया प्रयागराज 82403, वाराणसी से रवाना होती है दोपहर को 3:15 और आप अगले दिन इंदौर पहुँच जाएंगे एट 9:40 AM। ये रन होती है ओनली ऑन संडे। वहाँ से इंदौर से एज 82404 निकलती है सुबह 10:55 को और आप वाराणसी आ जाएंगे अगली सुबह 5:00 और ये रन होती है ओनली ऑन मंडे। और ये हो चले हैं 150 मैं कहूँगा इन द वॉच। हमारी एक और जर्नी शुरू होने जा रही है श्री काशी महाकाल एक्सप्रेस इनॉग्रल रन आपके लिए। ये देखिए वाराणसी से हम निकलने के लिए तैयार है आपके लिए, जैसा मैं कहता हूँ एंटरटेनमेंट नहीं, इसमें भी आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट डिजिटली। मेरे साथ ट्रैवल कीजिए। टू 30 और अब वक्त है कुछ लंच का। और देखिए यहाँ पर एक थाली हमें सर्व की गई है। दो चीज़ मैं आपको बता दूँ, बिकॉज़ दिस इज ज्योतिर्लिंग पे आप जाएंगे विजिट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ वेज फूड सर्व किया जाता है। और जो मेरी आज की डेट ऑफ जर्नी है ये इनॉग्रल रन है यानी कि 16 February, तो जो कमर्शियल रन होगा उसमें मेन्यू कुछ अलग हो सकता है। आई एम डैम श्योर कुछ ना कुछ बहुत पैसेंजर्स के लिए एक स्पेशल सर्व किया जाएगा। और जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैटरिंग फूड वगैरह जो भी है सब कुछ आपकी टिकट में इंक्लूडेड है। एक चीज़ ज़रूर है,
जैसे शिवरात्रि हुई या फिर जो अलग अलग ओकेजन्स होंगे ना, उस समय इस ट्रेन की इतनी ज़्यादा डिमांड होगी कि पूछिए मत। और ये आपके लिए बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट है। थैंक यू सो मच IRCTC फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब दिल से। प्रयागराज के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर अब पहुंच चुकी है श्री काशी महाकाल एक्सप्रेस। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, इस ट्रेन के दो रूट हैं, एक वाया लखनऊ और एक है वाया प्रयागराज। तो आज जो इनॉग्रल रन है वो हमारी है वाया प्रयागराज, और जो इनॉग्रल रन है उसका ट्रेन नंबर जो है वो है 02403। और पूरी ट्रेन में सिर्फ दो ही कैटेगरी है, एक है मीडिया और दूसरा है IRCTC का स्टाफ, बाकी पूरी ट्रेन खाली जा रही है। सो जर्नी इज ऑन नाउ, इट इज ऑलमोस्ट 5 o'clock और अब वक्त है इवनिंग स्नैक्स का। खाते रहिए, पीते रहिए और ट्रैवल करते रहिए। तो कॉफ़ी हो गई, ये रही कचौड़ी, इसमें है समोसा, ये है भेल और ये है मफिन केक। पर आपने अब तक एक चीज़ नोटिस की कि नहीं की, पहली जो दो प्राइवेट ट्रेन थी दिल्ली लखनऊ तेजस और अहमदाबाद मुंबई तेजस, दोनों में लेडी ट्रेन हॉस्टेस की सुविधा दी गई थी, बट इस वाली में नहीं है। और इस वाली हमसफ़र एक्सप्रेस की बात करें, प्राइवेट हमसफ़र एक्सप्रेस की, तो इसमें CCTV कैमराज लगाए गए हैं फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और फिर यहाँ पर एक हर कोच में डिस्प्ले स्क्रीन भी है जो आपको बताता है कि अगला स्टेशन कितने बजे आएगा या अगला स्टॉप लगभग कितना किलोमीटर दूर है। बट जो ट्रेन में अभी फ़िलहाल एक्साइटमेंट है ना, मतलब अलग ही माहौल है। एक तो ट्रेन मैंने आपको बताया लगभग पूरी खाली है, ये देखो यहाँ फिलहाल इस केबिन में कोई नहीं है। B4 जो कोच है वो पूरा मीडिया को दे दिया है, सब रिपोर्टर्स करेस्पॉन्डेंट एवरीवन इज़ देयर, और हम यूट्यूबर हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कोई स्टॉपेज नहीं था, ये है मालवा स्टेशन, आप ये देख रहे हैं। यहाँ पर काशी महाकाल एक्सप्रेस को रोक दिया गया है और उसका रीज़न है, बिल्कुल अभी अनाउंस किया है, यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस यानी कि ट्रेन 18 क्रॉस हो रही है। आप देख रहे हैं, आप ये लाइट देख रहे हैं यार, ये नज़ारा यहाँ पर, थर्ड प्राइवेट ट्रेन और यहाँ पर अब आपके सामने क्रॉस होने जा रही है वंदे भारत। वाह यार नज़ारा है, देखो आपको लाइट दिख रही है ना। देखा क्या, अरे यार क्या व्यू था ये, तो सोचिए वंदे भारत एक्सप्रेस को क्रॉस कराने के लिए काशी महाकाल एक्सप्रेस को रेड सिग्नल, यही तो रेलवेज़ का मज़ा। और कभी कभी तो ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं, ऐसी क्रॉसिंग देखने को मिलती है ना, ऐसे ही आप कभी राजधानी देखिए। और ये मालगाड़ी अब ये यहाँ से पास होने के लिए तैयार है, ऐसे ही कभी आप राजधानी को क्रॉस होते हुए देखिए भाई, वो तो
अलग ही है। ये है हमारा नेक्स्ट स्टेशन कानपुर सेंट्रल। स्टेशन कोड इज CNB। और मैं आपको दो तीन चीज़ें बता दूँ, यहाँ पर इस महाकाल एक्सप्रेस का डिनर बोर्ड किया जाएगा, और जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ पर गार्ड और लोको पायलट दोनों चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ से अब झांसी का नेक्स्ट जो स्टॉप है झांसी है, नॉन स्टॉप रन है फॉर ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स। ये स्टेशन लगभग कनेक्टेड है टू मोर देन 1500 स्टेशंस डायरेक्टली। इंडिया का मोस्ट प्रॉफिटेबल रेलवे स्टेशन आई वुड से। जानते हैं कितने पैसेंजर्स एवरी डे यहाँ पर आते हैं? मोर देन 2.3 मिलियन पैसेंजर्स एट कानपुर सेंट्रल। यस, और एक NCR के रिपोर्ट के तहत इस स्टेशन पर लगभग 10 प्लेटफॉर्म्स और चाहिए टू फुलफिल द पैसेंजर्स रिक्वायरमेंट। आप सोचिए ये स्टेशन कितना बड़ा है। काशी महाकाल एक्सप्रेस जिसका इनॉग्रेशन आज डिजिटली बाय PM किया गया है। आप इस ट्रेन में टिकट बुक करेंगे तो अप टू 10 लाख का आपको फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस दिया जाएगा। और इन केस अगर आप इन्फेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो वॉशरूम में एक स्पेशल इन्फेंट सीट लगाई गई है। और बिल्कुल अभी अभी दे देखिए ये शिव चालीसा भी दी गई है। एंड नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 9 o'clock और अब वक्त है डिनर का। देखिए कितना हैवी डिनर दिया गया है। यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी है, दाल है, सूखी सब्ज़ी है, और फिर राइस है, और ये रही चपाती, उसके साथ साथ कर्ड, और ये रहा मिष्ठान में बूंदी का लड्डू। एक टिपिकल जो रेलवेज में मैं कहूँगा जो फूड मिलता है राजधानी हो वगैरह और उसमें जो मिलता है। चलिए अब फूड को टेस्ट किया जाए। सबसे पहले पनीर, पनीर इज़ माई फेवरेट। बिल्कुल कानपुर से बोर्ड किया गया है तो दिस फूड इज़ फ्रेश। देखिए आप यदि 3 ज्योतिर्लिंग कम समय में कम मेहनत में कवर करना चाहते हैं तो दिस ट्रेन इज श्योरली बेस्ट फॉर यू। 20 फरवरी से कमर्शियल रन है, आप टिकट्स ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यदि आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हाँ, दिस इज़ 11:35 इन द क्लॉक, और इस हम सफ़र एक्सप्रेस का ये है एक और हॉल्ट झांसी जंक्शन। अब देखिए जब मैं ऑनलाइन रिसर्च कर रहा था ना तो इस वाराणसी इंदौर रूट पर एक दो ट्रेन्स और हैं। ज़रा ये देख लीजिए, ये क्रॉस हो रही है तेलंगाना एक्सप्रेस, तो एक दो ट्रेन और हैं। और थर्ड AC की बात करें तो उनका जो फेयर है ना वो है अराउंड 1500 रुपीज़ मैं ये कहूँगा, बट उसमें कैटरिंग वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। और जो ट्रेन टाइम लेती है वो है मोर देन 20 आवर्स, बट ये हम सफ़र एक्सप्रेस प्राइवेट ट्रेन टाइम लेती है 19 आवर्स, और जो कॉस्ट है 2000 रुपीज़ जिसमें फूड वगैरह इंक्लूडेड है। अब चॉइस आपकी है कि यदि आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं बिटवीन वाराणसी एंड इंदौर तो आप कौन सी ट्रेन प्रिफर करेंगे। झांसी पर मैं पहले भी आ चुका हूँ, मौसम हल्का सा ठंडा है और मैंने कुछ पहन नहीं रखा। वी आर ऑल सेट, दिस इज 11:40। सोचेंगे ये मेरी दूसरी हम सफ़र एक्सप्रेस है। इससे पहले मैंने मुंबई पटना हम सफ़र एक्सप्रेस में ट्रैवल किया है। नाउ इट्स टाइम कि आप बिस्तर किए जाएं
और थोड़ा आराम किया जाए। इनकेस अगर आपको इस प्राइवेट हम सफ़र एक्सप्रेस में साइड लोअर बर्थ मिलती है तो आपके लिए एक हल्की सी गुड न्यूज़ है, बिकॉज देखिए इन दो सीट्स के बीच थोड़ा सा गैप रहता है, तो आपको हम सफ़र में एक ये स्पेशल फीचर दिया गया है। देखिए ऑल यू हैव टू डू इज आपको ये फिट करना है, ये लगाना है और आपकी एक बिल्कुल आरामदायक रात गुजारने के लिए आप हम सफ़र में पूरी तरह से तैयार हैं। ये फीचर आपको सिर्फ हम सफ़र एक्सप्रेस में मिलता है। सो डे वन का सफ़र यही ख़त्म होता है। रियली अब थकान होने लगी है। अब बाकी के नेक्स्ट जितने हॉल्स हैं अब मैं वो सब स्किप करूँगा, देखते हैं अब ट्रेन टाइम पर चलती है कि नहीं चलती है। अब आपसे मेरी कल मुलाकात होगी सुबह, और देखते हैं कौन से स्टेशन पर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, गुड नाइट, मिलता हूँ आपसे कल सुबह। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ डे टू ऑफ वाराणसी इंदौर हम सफ़र एक्सप्रेस, इंडिया थर्ड प्राइवेट ट्रेन। और फिलहाल मैं हूँ स्टेशन नारंगीपुर। एक्चुअली ये ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, बिकॉज जिस रूट पर अभी हमें वो है सिंगल लाइन, और यहाँ पर हम सफ़र एक्सप्रेस को रोक दिया गया है बिकॉज उस साइड से कोई ट्रेन आ रही है। आप ये स्टेशन देखिए, बिल्कुल एक यहाँ से ऑपरेट होता है, बिल्कुल एक छोटा सा स्टेशन, बट वॉट अ मॉर्निंग, और क्या नींद आई है इस सफ़र में ना, मतलब अलग ही है। बहुत टाइम बाद हम सफ़र एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहा हूँ, बट व्हाट एन एक्सपीरियंस। और बस थोड़ी ही देर में मैं आपको बता दूँ, हमने तीन स्टेशंस स्किप किए हैं, और बस थोड़ी ही देर में आई गेस इन नेक्स्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स हम पहुँचेंगे अपनी डेस्टिनेशन यानी कि इंदौर। फाइनली 1300 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं इंदौर, और इंदौर में आपका स्वागत है। और एक बार मेरे साथ बोली तो सही, हर हर महादेव। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस व्लॉग। अगर आपको लगा कि आप मेरे साथ इस काशी महाकाल एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे थे, रिमेंबर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए जितना हो सके, सब्सक्राइब इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन, और बस आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी विथ वन मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल देन खाते रहिए, पीते रहिए, और जर्नीज करते रहिए, बिकॉज जर्नीज आपको कुछ नया सिखाती हैं। सो दिस इज दुलेश सेइंग गुड बाय फ्रॉम 200
जर्नीस, मज़ा आ गया। और एक बार कमांड, एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, हम आए हैं काशी महाकाल एक्सप्रेस में, एक बार बोल दीजिए हर हर महादेव। रेडी रिकॉर्डिंग। और इन केस अगर आपको इस प्राइवेट हम सफर एक्सप्रेस में साइड लोअर बर्थ मिलती, देख तू देख रहा है यार, तो फिर रुक जाता है यार उसमें। चलिए चलिए चलिए।